हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल 3 ओपन हेयर के लिए हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। खुले बालों में आप ये खूबसूरत से 3 हेयर स्टाइल बना सकते हो। सेल्फ है, इजी है, सिंपल है और बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी मांग निकाली हुई है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने मांग निकाली है यानी कि जो आपने सेंटर पार्टीशन की है, बालों की पार्टीशन की है, वहीं से जस्ट आपको इस तरीके से छोटा सा एक लेयर लेना है एंड उसको ट्विस्ट करना है। साड़ी पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो भी अच्छे लगेंगे एंड लॉन्ग हेयर हैं तो भी अच्छे लगेंगे। इसके साथ आप अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा बहुत ज़्यादा। फिर सेकेंड लेयर लिया है एंड उसको भी ट्विस्ट करके उसी क्लिप के साथ मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग क्लिप्स भी ले सकते हो, बट ज़्यादा क्लिप्स आपके बालों पे अच्छी नहीं लगती है, तो आप कम से कम क्लिप यूज़ कीजिए। और लास्ट में बताऊँगी कि कैसे आप क्लिप लगाओगे तो आपके बालों पे वो टिका रहेगा, हैवी बालों पे भी निकले नहीं। एंड थर्ड लेयर भी लेंगे एंड इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और उसी क्लिप के साथ इस तरीके से लगा देंगे। तीनों लेयर्स को मैंने लिया है, क्लिप्स को एक बार निकाल लेंगे। ओके, और तीनों लेयर्स को एक साथ ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तीनों लेयर्स को एक साथ लेके थोड़ा सा पीछे ले जाके और फिर से क्लिप्स को लगा देंगे। जैसे आपने एक बार इस तरीके से क्लिप्स लगा लिए, फिर सेकंड क्लिप्स आप ले लो एंड उसको क्रॉस करके इस तरीके से लगाओगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो वहीं का वहीं टिका रहेगा और अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहता है इस तरीके से पिनअप करने पर। अब सेकेंड साइड भी सेम इसी तरीके से करना है, छोटा सा लेयर लेना है। ओके, एंड ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने उस साइड किया था, सेम वैसे ही करना है। ट्विस्ट करके हल्का सा आगे की तरफ पुल करके लगाएंगे ताकि जो हमारी ट्विस्टिंग है वो प्रॉपर दिखे और थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम दिखे इसके लिए। एंड सेकेंड लेयर लेंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है और खूबसूरत भी, और बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। सेकेंड लेयर का भी इतना सा पार्ट लिया है एंड ऊपर की तरफ ले जाके इस तरीके से ट्विस्ट करके बैक साइड में ले जाएंगे एंड उसी क्लिप के साथ इस तरीके से लगा देंगे। एंड फ्रंट से फिर से एक लेयर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे बैंग्स निकालने हैं तो निकाल सकते हो, बट अभी मेरे बैंग्स कट नहीं हुए हैं तो बढ़ गए हैं, तो मैं इनको सारे को एक साथ ले लेती हूँ। नहीं अच्छे लग रहे हैं तो मैं सारा एक साथ ले लूँगी और इस तरीके से ट्विस्ट करूँगी। ओके, ट्विस्ट करके फिर बैक साइड में लेके जाएंगे और उसी क्लिप के साथ लगा देंगे। और जैसे हमने उस साइड में किया था क्लिप को क्रॉस, उसी तरीके से इधर वाली क्लिप्स को भी क्रॉस कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से ना हिले और लॉन्ग लास्टिंग रहे हमारा हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से लगा लिया है, तीनों लेयर्स को एक साथ लेंगे और थोड़ा बैक साइड में ले जाके अच्छे से हेयर को मैनेज करते हुए आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे जिससे कि जो ट्विस्टिंग है वो अच्छे से दिखाई दे। और क्लिप्स को लगा देंगे। ओके, तो सेकंड क्लिप्स को भी लेंगे एंड क्रॉस करके उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड में लगाया था इस तरीके से। ओके, और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आया है और बहुत इजी है, बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दैट्स इट, आप पार्टी लुक के लिए भी रेडी हैं। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली इस तरीके से लेयर लेना है एंड इसमें चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से। 3 पार्ट्स ले लिए हेयर के एंड सिंपल चोटी जो हम लोग गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिंपल चोटी बनानी है आपको इस तरीके से। क्राउन एरिया तक चोटी को गूंथेंगे एंड ये सेंटर पार्टीशन से है। फर्स्ट वाला भी आप सेंटर पार्टीशन से भी कर सकते थे। बीच मांग में मांग के साथ न्यू नई नवेली दुल्हन है तो वो बना सकते हैं ये हेयर स्टाइल। इस तरीके से लिया है एंड इसको भी बैक में ले जाके क्लिप से सिक्योर कर लेंगे।
एंड सेकंड लेयर लेंगे यहाँ से एंड इसमें भी सिंपल सी चोटी बनाएंगे। ओके मैंने यहाँ पे चोटी को थोड़ा सा भी लूज नहीं किया है, आपको और ज़्यादा वॉल्यूमनेस दिखानी है आपकी चोटी को तो आप थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा, जैसे चोटी हम लोग खींच के लूज करते हैं वैसे आप लूज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लगा लिया, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। वन लेयर लेंगे एंड सिंपल सी चोटी बनाएंगे, थ्री लेयर्स लेके सिंपल चोटी जैसे हम लोग गूँथते हैं वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे गूँथ लेना है। सॉरी तो यहाँ पे चोटी को गूँथना है जैसे हमने उस साइड में क्राउन एरिया पे ले जाके इसको लगाया था, बालों को सेट करते हुए मैनेज करते हुए आपको क्लिप्स को लगा देना है। एंड दूसरा लेयर लेंगे एंड जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम टू सेम सिंपल चोटी ही चारों लेयर्स को सिंपल चोटी बना के और बहुत सिंपल तरीके से आपको बैक साइड में इसको लगा देना है और काफ़ी खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा आपको बहुत इजी वे में आपको एक हेयर स्टाइल मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, पार्टी लुक के लिए भी बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद से अगर आपको ऐसे छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और थोड़ा सा अगर आपको इसको और अट्रैक्टिव लुक देना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आया है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे साइड पार्टीशन बालों की है एंड क्राउन एरिया से हेयर को इस तरीके से ले लेना है। तो क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को लिया, अच्छे से कॉम कर लेना है एंड दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टीशन छोड़ के इस तरीके से क्राउन एरिया के हेयर को लेंगे एंड कॉम करके हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे या आगे की तरफ पुल करेंगे, बहुत ज़्यादा पफ नहीं बनाना है, हल्का सा बस पफ देना है ताकि क्राउन एरिया फ्लैट ना लगे और क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। ओके अब आपको यहाँ से सिंपली थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करना है और फिर सेकेंड लेयर लेंगे इस तरीके से ट्विस्ट करके सेकेंड लेयर उसके साथ मिक्स करेंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। ट्विस्टिंग करते टाइम जो हमारी स्कैल्प दिख रही है हेयर को हमेशा उसके पीछे से रखना है, अगर आप आगे से रखोगे तो स्कैल्प ऑलरेडी दिखेगी स्कैल्प दिखेगी और जो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ईयर तक हमने इस तरीके से ट्विस्टिंग की है, उसके बाद भी कई बार हमारे बाल बहुत पतले होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प है वो हाइड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे वो भी बता रही हूँ मैं यहाँ पे। अब ये ट्विस्टिंग हम ले जाके सिंपली जहाँ पे हमारा क्लिप लगा हुआ था पफ वाला वहीं पे लगा देना है एंड जो हमारी स्कैल्प दिख रही है उसके लिए आपको ट्विस्टिंग को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेना है एंड पफ के हेयर के साथ एक छोटा सा क्लिप अटैच कर देना है जिससे कि आपकी स्कैल्प ना दिखे और आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा दिखे। तो इस तरीके से लगा दिया, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो क्लिप है वो दिखाई ना दे बट थोड़ा बहुत दिखेगा भी तो चलेगा। तो इस तरीके से हमने अपने स्कैल्प को हाइड कर लिया, दूसरी साइड भी आपको उसी तरीके से बनाना है, थोड़ा सा लेयर लीजिए एंड ट्विस्ट कर लीजिए, पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये तीनों हेयर स्टाइल बेस्ट हैं। देखिए इस तरीके से स्कैल्प दिख रहा है, अगर आप बैक साइड से ट्विस्टिंग करोगे तो स्कैल्प नहीं दिखेगा, अगर आप फ्रंट से करोगे तो आपकी स्कैल्प दिखेगी। अब इस ट्विस्टिंग करने के बाद से थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके उसके साथ मिक्स करते जाइए, हल्का सा खींच लेंगे और जो स्कैल्प दिख रही है इसके बारे में भी बताती हूँ, जैसे हमने उधर किया था वैसे ही करना है बट तो देख लीजिएगा किस तरीके से कर रही हूँ तो आपको हेयर स्टाइल करने में ईजी होगा। फिर ईयर तक हम लोग इस तरीके से ट्विस्टिंग के हेयर लेके जाएंगे एंड जो हमने क्लिप्स लगाया था पफ का वहाँ पर आपको ले जाके सिक्योर कर देना है ट्विस्टिंग के हेयर को। तो इस साइड के हेयर थोड़े मेरे सही हैं बट जो यहाँ पे सेंटर पार्टीशन है यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है स्कैल्प, तो उसके लिए आपको इस तरीके से खींचना है अपनी ट्विस्टिंग को, उससे क्या होगा आपका हेयर स्टाइल का लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा और जो आपकी स्कैल्प दिख रही है वो भी हाइड हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी स्कैल्प हाइड कर दी और ये जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अभी इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो और बैक में थोड़ा सा और अच्छा और अट्रैक्टिव लुक दिखाना है तो हल्का सा बालों का पार्ट लेयर लेंगे और टू पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली इसको ट्विस्ट करेंगे। ये करने से क्या होगा हमारा जो क्लिप है वो भी हाइड हो जाएगा, पिन जो लगाई हमने बालों में, और बालों का लुक भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से किया है एंड सिंपली इसको आपस में लपेट के एक यू पिन की मदद से इस तरीके से सिक्योर कर लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना